देखो बेटा, फटाफट से अगर हम बात करें कि हमने आज पढ़ा था लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, मैं पूरा का पूरा आपको बता देती हूँ। अगर लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील की हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि कंपनी की जो पर्सनैलिटी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है कंपनी के मेंबर से, कंपनी के डायरेक्टर्स से और कंपनी के प्रमोटर्स से। कंपनी की लॉ की निगाहों में अपनी एक अलग पहचान है और जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मींस इसी वजह से ये लॉ की एक ऐसी कल्पना है जिस कल्पना का रूप भी कुछ अलग है। वो कहता है कि कंपनी एक पर्सन है। कंपनी एक पर्सन है, यस। कंपनी अपने नाम से सभी काम कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी रख सकती है, कंपनी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है, कंपनी के खिलाफ भी कोई केस फाइल कर सकता है। इट मींस कंपनी के पास सभी वो सभी राइट्स हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कंपनी इज वर्किंग एज अ नेचुरल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। नाउ अब क्या होता है कि कुछ लोग इसी फीचर का, इसी सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाते हैं और वो चीटिंग करने के पर्पस से इस कंपनी को बनाते हैं। क्योंकि अगर वो चीटिंग करेंगे, वो फ्रॉड करेंगे, तो वो कॉर्पोरेट व्हील की आड़ में आके उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये कानून कानून तब तक रहता है, ये फीचर फीचर तब तक रहती है जब तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। लेकिन जब जब हम हमारे केस देश के अंदर फ्रॉड होगा, चीटिंग होगी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी काम होगा या किसी अदर एक्ट को कॉन्ट्रावेंट किया जाएगा, तो इन सब केसेस में यहाँ पे सहारा ले सकते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील हटा दी जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील डिसरिगार्ड कर दी जाएगी। और कॉर्पोरेट व्हील डिसरिगार्ड करने के पीछे एक ही तरीका है, एक ही सिद्धांत है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको डिसरिगार्ड, मतलब उसे हटा दिया जाएगा, या फिर कॉर्पोरेट व्हील के अंदर क्या कर दिया जाएगा, छेद कर दिया जाएगा। उससे क्या फायदा होगा कि हम जान पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल में हु आर द एक्चुअल कंट्रोल लिंग पर्सन ऑफ कंपनी, एक्चुअल में उस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं। क्लियर यू ऑल? क्लियर। और इसी वजह से इसको बेसिकली हम हर केस में यूज नहीं कर सकते। लॉ में इसकी प्रॉपर मान्यता प्राप्त प्रोविजंस है, मान्यता दी गई है सेक्शन 7 में, सेक्शन 251 में एंड सेक्शन 339 में। इन सभी केसेस में लिफ्टिंग पॉसिबल है। दूसरी बात, कुछ जुडिशियल डिसीजंस हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया जॉन्स वर्सेस लिपमैन। ऐसे करके हम आगे भी पढ़ेंगे, कई सारे रबर एसोसिएटेड केस और कई सारे डैमलर का केस है। नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम वो फर्दर केसेस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू।